कि अगर इसके अंदर में आप लेते तो तभी आपको परफॉर्मेंस है यार इसकी। बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस स्कूटर ही है सर ये। अगर आप भी एक हाईली कैपेबल एंड परफॉर्मेंस स्कूटर लेना चाहते हैं जो कि बजट में आ जाए, तो आपके लिए एक सरप्राइज है। बट सरप्राइज से पहले इसका साउंड सुनते हैं। वाओ, मेरे सामने खड़ा है एथर कंपनी का 450X, जो कि लुक वाइज अट्रैक्टिव तो है ही और आता है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज मैं आऊँ दिल्ली के लाजपत नगर में एथर एक्सपीरियंस सेंटर 2.0 में, और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि पब्लिक के लिए इन्होंने एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जिसमें कि आप कभी भी आइए रात के 2-3 बजे और अपने स्कूटर को ऐसे करके आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट कि इनका जो पार्किंग है यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे व्हीकल तो खड़े हैं, यहाँ पे एक और चार्जिंग पोर्ट है, तो आप डे टाइम के अंदर यहाँ पे भी अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। तो चलो इनके शोरूम में चलते हैं ऊपर। ये शोरूम अभी न्यूली ओपन हुआ है, बट कैच ये नहीं है। कैच ये है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो आपसे काफ़ी सारे पैसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि फेज 2 सब्सिडी जो है वो बंद होने वाली है 31 मार्च से। बट अगर आपको खरीदने हैं ये स्कूटर, तो आपको 25 मार्च तक ही अपना फैसला लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल ये है इसका एक्सपीरियंस सेंटर। चलो यहाँ के बंदे से बात करते हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं, कितने कलर्स हैं और ये कैसे डील करते हैं। हाय, हेलो सर। यार ये एथर स्कूटर के अंदर क्या खास है, आज लोग देखना चाहते हैं दोबारा? सर एथर जो स्कूटर है वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी ब्रांड बन गया है धीरे धीरे देखते देखते। ईवी के अंदर जो लोग अभी कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा हमारे पास एथर। मेरे को इसका एक तो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एरोडायनामिक्स के अंदर आता है। लाइट्स इसकी यार काफी आउटस्टैंडिंग, एलईडी हेडलैम्प यूज किए हैं। इनफैक्ट की अगर टर्न इंडिकेटर भी देखें तो ये भी ना मतलब बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन बनाया है एथर कंपनी ने, एक बात तो है वैसे, ठीक है। व्हील्स भी बड़े बड़े हैं। इनफैक्ट की दोनों टायर्स के अंदर आपको यहाँ पे ये डिस्क मिलती है, बेसिकली डुअल डिस्क डिजाइन है, आगे भी है और पीछे भी है। और सबसे अच्छी चीज बताओ मुझे, ये क्यों पसंद है, ये हम मोटर के साथ में नहीं बना रहे लोग, है ना? जी सर बिल्कुल। और जो गाड़ियां आती हैं, जैसे कि हम और कंपेटिटिव बात करें दूसरी कंपनी की, तो वहाँ पे क्या है कि वो हम मोटर लगाते हैं, वो टायर के अंदर मोटर लगा देते हैं। टायर के अंदर मोटर लगाने से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि कभी बारिश में, कभी कोई रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाड़ी गड्ढे में प्रॉब्लम आता है, टूटने का इशू रहते हैं, तो काफी सारे। तो हमारी गाड़ी में जो मोटर दी गई है सर, वो मोटर दी गई है सेंट्रल मोनो सस्पेंशन के पास में। ये देखना यहाँ पे मोटर है यार, सेंट्रल माउंटेड। एंड ये जो सिस्टम है बेल ड्रिवन जो बनाया ना, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये चेन ड्रिवन होता ना, इसके अंदर साउंड भी होता और ये मेंटेनेंस बिल्कुल ज्यादा मांगता। बिल्कुल एथर जो स्कूटर है। अच्छा, इसमें कितने वेरियंट आते हैं एथर में? एथर के अंदर से 2 वेरियंट आते हैं, 450X और 450S। और ये वाले जो मेरे पास कलर खड़े हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं? ये सर कॉस्मिक ब्लैक है, ये भी रिसेंटली कलर आया है कॉस्मिक ब्लैक। उसके बाद में दूसरा सबसे ज्यादा जो हाई सेल गाड़ी हमारी बिकने वाली है वो है ये स्पेस ग्रे, सबसे ज्यादा सेल रहता है सर, ये गाड़ी बुकिंग पे रहती है समझ लो एनी टाइम। अच्छा, इसमें पता है क्या एक कैच है कि भैया यहाँ पे ये जो स्पेस ग्रे है, कलर बॉडी का कलर तो ठीक है बढ़िया, इन्होंने कंट्रास्ट कितने अच्छे दिए कि येलो कलर के साथ में स्पेस ग्रे मिला दिया। इनफैक्ट ये जो ब्लैक कलर है इसमें ग्रीन लगा दिया, इसमें ये वाला ब्लू कलर का जो कंट्रास्ट है ये मिला दिया। एक्सपीरियंस सेंटर क्यों बोलते हैं इसको? सर मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारी जो शोरूम्स हैं अभी और जो शोरूम होते हैं उनमें क्या है कि शोरूम में गाड़ियाँ बेचने के लिए वो लोग सेल अपना शोरूम बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या एक्सपीरियंस सेंटर है, पहले कस्टमर आएगा तो पहले हम उसको एक्सपीरियंस देंगे, एक्सपीरियंस के बाद ही हम उसको आगे गाड़ी सेल करेंगे। यार ये राइड वगैरह भी प्लान, ये देखिए सर हमारे यहाँ राइड भी होती है, उसके अलावा कम्युनिटी डे भी मनाते हैं, उसके बाद हमारे स्कूटर का स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे। और स्पेस की बात हुई है ना, तो मैं एथर का स्पेस दिखाता हूँ, काफी बड़ा अच्छा खासा, और यहाँ पे पूरा चार्जर, पोर्टेबल चार्जर है। बट चार्जर खोल के दिखाने से पहले मैं फेज 2 सब्सिडी की बात करना चाहता हूँ, क्या सीन है? सर सब्सिडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आने वाले जो भी लोग इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, मोस्टली ईवी को। ईवी के अंदर सब्सिडी का जो रोल है वो सबसे मेन रहता है। फेम सब्सिडी 2 जो है, एक अगर हम एथर की बात करते हैं तो एथर का ऑन रोड प्राइस है 179 450X HR मॉडल का। तो अगर हम इस मॉडल पे सब्सिडी की बात करते हैं तो इस मॉडल का सब्सिडी आता है 23,000 रुपए के आसपास का। 23,000 रुपए का फायदा बहुत मिलेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है सर। अगर वो आपने अभी मार्च के अंदर गाड़ी परचेज करना, अगर किसी भी वजह से आपने वो मिस कर दिया ना मूवमेंट, तो आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो फेज 2 सब्सिडी नहीं मिलेगी? वो नहीं मिलेगी सर, सेंट्रल तो मिल रही है अभी। हाँ, सेंट्रल मिल रही है, बट फेज 2 वाली वो उसके लिए अभी थोड़ा सा ये है कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, तीनों पॉइंट्स हैं। कुछ अभी क्लियरिटी नहीं है सर किसी भी चीज। ये चार्जर जो है इधर के साथ जो मिलता है, ये पोर्टेबल चार्जर है सर, इसके साथ 750 किलोवाट का। अच्छा जी यार, ये तो बड़ा हैवी ड्यूटी और गुड लुकिंग और ऐसा सा है जैसे प्रेस ही पकड़ रखी हो, बिल्कुल पोर्टेबल टाइप। पहले क्या था सर, जब चार्जर आता था पहले वाले मॉडल में तो उसमें हैंडल नहीं दिया था कंपनी ने, इस बार कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से हैंडल भी दिया गया है। हैंडल से उठाओ ले जाओ भाई। बिल्कुल सर। कितने टाइम के अंदर ये चार्ज कर देता था सर? कंपनी जो क्लेम कर रही है इसको, जो टॉप मॉडल आता है इसका, वो 6 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है सर पूरा। अच्छा मैं छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट दिखा दूं, देखना एक इतनी ये डीआरएल लगाया है सर, ये बूट लैंप लगा रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है कि रात को कितना अच्छा लगेगा।
चलो यार, एक्सपीरियंस सेंटर का बेसिकली मतलब है कि ये लोग डिसाइड करवाते हैं, आराम से बात करते हैं, ये जो कलर पैलेट्स हैं ये इतने कलर्स के अंदर आता है या और भी कलर्स? सर 450X मॉडल की अगर मैं बात करूं तो 450X मॉडल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर में अवेलेबल रहती है। अगर मैं बात करता हूं 450S मॉडल, तो S मॉडल के अंदर लूनर ग्रे और ट्रू रेड, ये दो कलर अभी हमारे न्यू कलर लॉन्च हुए जो X मॉडल में मिलेंगे। सर S और X जो दो मॉडल आते हैं हमारे एथर के, 450X और 450S, वो एक बार मैं आपको फिजिकली गाड़ी दिखाऊंगा जो कि हमारे कलर सिलेक्शन रूम में है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है, तो इसके अंदर एक नई चीज का भी एक्सपीरियंस कराऊंगा जो और किसी शोरूम में नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा आपको। कलर सिलेक्शन रूम भी है जी सर में। अच्छा ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने लाइटिंग कर रखी है, ऐसी कर ऑफ वाइट है सर, नेचुरल लाइट टाइप्स, बिल्कुल सर, कलर के सारे के सारे आपको वो मिल जाएंगे, ये लगे हुए सर, 6 के 6 कलर अवेलेबल हैं। और जगह पे क्या होता है, पैनल होते हैं, हमारे पास गाड़ी फिजिकली खड़ी है। अच्छा, इसमें जो एस और एक्स मॉडल है, ये देखने में सेम से हैं या फिर सर दिखने में दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मैं फर्क बता देता हूँ आपको, जो आगे का वाइजर है, ये एक्स मॉडल के अंदर सिर्फ ब्लैक मिलेगा आपको, ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक्स में, एक्स मॉडल जो हाई रेंज वाला है उसमें ब्लैक होगा, और जो बेस मॉडल है उसके अंदर कलर की बॉडी शेप के साथ के कलर के बिल्कुल मैच में होगा। ओके, तो चाहे व्हाइट हो स्कूटर उसके अंदर, अब ये व्हाइट है तो इससे समझ आ रहा है कि ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये 450S है, आप इसको पहचान सकते हैं। और रेंज का, रेंज का आपको पता लगेगा सर इसके अंदर, कि ये जो बेस मॉडल है इसके अंदर 2.9 किलोवाट की बैटरी आती है, और जो टॉप मॉडल है उसके अंदर 3.7 किलोवाट की बैटरी आती है। तो रेंज किलो वाट से किसी को क्या फर्क पड़ता है, रेंज कितनी मिलती है हमें? मैं रेंज बता देता हूँ सर आपको, रेंज जो बेस मॉडल आता है हमारा 450S, इसके अंदर कंपनी जो क्लेम कर रही है सर, इसकी IDV रेंज जो है वो है 125 के अराउंड, बट जो इसका ट्रू रेंज है वो है 90 किलोमीटर, जो कस्टमर फीडबैक है, ट्रू रेंज, बिल्कुल ट्रू रेंज। एक्स मॉडल में सर जो कंपनी क्लेम करती है वो 150 अबव, बट जो कस्टमर फीडबैक है वो 110 है सर, बिल्कुल ट्रू रेंज। ये हेलमेट वगैरह फ्री देते हो या ये खरीदता है कस्टमर? ये वाले सर जो अभी दे रहे हैं हम हेलमेट, अपने जो नया शोरूम हमने खोला है तो उसके हिसाब से अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री हेलमेट है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। यार काफी क्यूट है, नाइस से हेलमेट है छोटा सा। तो यार ये जो 23,000 रुपए लोगों के बच रहे हैं, अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे पहले, यानी कि 25 मार्च से पहले अगर डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा लोगों सर, टोटल नुकसान है। क्योंकि अभी क्या है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट का तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी क्या है कि फेम सब्सिडी जो 2 है उसको लेके कुछ ना कुछ अभी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, बट देन पता तब लगेगा जब आएगा मार्केट में। बट अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफर बहुत अच्छा है अभी के लिए। ये ना एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, तो वैसे तो इनका ये शोरूम अभी भी खुला, एक्सपीरियंस सेंटर, तो एक्सपीरियंस तो कस्टमर किसी भी तरीके का कर सकता है। बिल्कुल सर, वैसे देखते, चलो ये निकालते हैं और जो है एक बार हैंडल आप दोनों पकड़ लीजिए। हाँ निकाल दो, कोई टेंशन नहीं, बस इसको आगे से नीचे रख दो। देखो जी, बिल्कुल डिस्प्ले में लगा हुआ स्कूटर उतारा जा रहा है, ये एक्स वेरिएंट है ना सर। ब्रेक लगा लीजिए एक बार। अच्छा ब्रेक, ओके वेरी गुड। ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? ये एथर 450X टॉप मॉडल सर, HR। यार ये कितने का पड़ रहा है अभी फिलहाल के लिए? ये सर वैसे तो ऑन रोड 1,56,000 रुपए का है, बट आफ्टर सब्सिडी आपको उसमें और 23,000 रुपए अभी छूट मिल जाएगी। मोड्स कितने होते हैं वैसे इसमें? सर 450X मॉडल के अंदर 4 मोड्स आते हैं सर, लेकिन वो मोड्स तब एक्टिव होते हैं जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया था कि अगर इसके अंदर में आप लेते हैं तो तभी आपको मिलेगी। बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस स्कूटर ही है सर ये। अब तो मतलब इसमें मोड्स अगर आ जाए और भी अच्छे अच्छे जी, तो इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा, बिल्कुल सर, बिल्कुल और ज्यादा बेटर हो जाएगी सर। क्या कहते हैं उस प्रोपैक सर, उसको लेने के लिए आपको प्रोपैक लेना होगा, और प्रोपैक अगर हम 450X मॉडल की बात करते हैं तो 23,000 रुपए का पड़ता है। अच्छा। प्लस उसके अंदर अभी जो वारंटी है वो 3 साल की आ रही है, 3 साल या 30,000 किलोमीटर। अगर प्रोपैक आप लेते हैं तो उसमें वारंटी भी एक्सटेंड हो जाती है, टोटल जो वारंटी आएगी इसके अंदर 5 साल या 60,000 किलोमीटर की, प्लस आपके मोड तो सारे एक्टिव हो ही जाएंगे, सॉफ्टवेयर सारे अपडेट हो जाएंगे। चलो इसकी एक बार ये यार बटन देख लो, वैसे तो ये थे देख ही रखा लोगों ने, इसमें ये वाला बटन किस चीज का है? ये सर रिवर्स गियर है सर, रिवर्स गियर जी। यार ये चीज अच्छी है, ये हो गया आपका ये मोड सर, ये मोड बटन है, आप इसको मोड जब ये प्रोपैक ले लेंगे तो मोड यहाँ से कंटिन्यू सारे चल जाएंगे। प्लस ये टच स्क्रीन पैनल है, TFT स्क्रीन लगी हुई है। एक्चुअली मेरी भी फैमिली में से ना एक बंदा कोई प्लान कर रहा था, तो मैंने कहा भैया सब्सिडी का कोई एक आ रहा है इशू, क्योंकि न्यूज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सर एक बार जाके इन लोगों से पता कर ही लिया जाए, क्योंकि शोरूम वालों को ज्यादा पता होता है जी सर। तो इन्होंने तो वर्बली काफी कुछ बता दिया स्कूटर के बारे में, हम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, ये कंपनीज काफी अच्छा कर रही है जी सर, टाइप की, और एथर वन ऑफ देम है। चलो एक्चुअल स्कूटर लगा देंगे, बिल्कुल सर एक बार टेस्ट राइड ले लेते हैं, टेस्ट राइड चलाएंगे तो आप इसको मना ही नहीं कर पाएंगे सर गाड़ी लेने के लिए, आप इसको बुक करा के जाएंगे। फॉर टेस्ट राइड ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है,
भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का राइडिंग एक्सपीरियंस है एथर का, क्योंकि इसमें ना पावर ज़्यादा अच्छी है। देखो कैसे इसका ये जो रैप मोड है ना यार, मज़ा दिला देता है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक आप देखते थे गोप्रो वाला व्यू, अब हम आपको दिखा रहे हैं साइड वाला व्यू, तो काफ़ी ना अच्छा सा ये माहौल है। चलो जी पास दे देते इनको, जाओ जी जाओ। देखो सारे स्कूटरों को हरा सकता हूँ मैं इस स्कूटर से, पावर है यार इसके अंदर ना, एकदम से ही टॉर्क मिल जाता है। वैसे ये राइड रिव्यू तो था नहीं, बट ये एक्सपीरियंस सेंटर को दिखाने का एक तरीका था कि आप लोग इसमें ये राइड वाइड भी करवा रहे हो, है सर यही चीज थी ना कि कस्टमर जब तक चलाएगा नहीं उसको पता नहीं लगेगा सर, एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब ही यही था। और अभी हम लेके आए दोनों मॉडल, ये है एस, ये है एक्स, और इसके अंदर ये जो चीजें दिख रही हैं इसके अंदर मैं चला रहा था अभी, ये WARP, ये वेब मोड पे चल रही है सर अभी गाड़ी। उसके अलावा सर इसको आप चेंज करते हैं स्पोर्ट मोड पे भी ला सकते हैं। ये रेंज दिखा रहा है, ये रेंज दिखा रहा है सर, स्पोर्ट मोड पे इतनी चलेगी गाड़ी, उसके बाद में अगर राइड मोड पे चलाते हैं तो 60 किलोमीटर चलेगी। और ये इको मोड है सर, अगर इको मोड में क्या है कि बैटरी कम कंज्यूम होती है सर, तो ये सारे मोड हैं। उसके बाद गूगल मैपिंग भी आ जाती है इसके अंदर, और भी काफी सारे अलग अलग फंक्शंस हैं इसके तो अंदर। ये इसका वो पैक ही ये प्रो पैक लेना पड़ेगा सर, प्रो पैक। और अगर अगर बंदा प्रो पैक नहीं लेता तो प्रो पैक के बिना सर गाड़ी बेकार है, मजा नहीं आएगा आपको चलाने में। अच्छा, प्रो पैक के साथ में अगर आपको फील करना है, एंजॉय करना है, तो मैं ये कहूंगा आपको कि प्रो पैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है मॉडल एस, है ना? ये सर एस। और इसका अगर ये दिखा दिया जाए, ये सर ये मीटर जो इसका है वो इस टाइप का कंसोल बनाया गया है, मीटर कंसोल इसका इस टाइप का है, यूआई अलग है जी सर। इसमें भी वो प्रो, इसमें भी प्रो पैक अगर लेते हैं तो सर इसमें थोड़े से मीटर के जो फीचर्स हैं वो थोड़े से चेंज है, अभी इसमें प्रो पैक एक्टिव है। अच्छा, तो इसमें भी दिखा रहा है सर, यहाँ पे आ गया स्पोर्ट्स आ गया है जी सर, और इसके अंदर स्पोर्ट्स है, राइड है, और एस इको वेरिएंट, ये सर तीन मोड है मोड है इसके अंदर जी सर। एक्सपीरियंस इज ओवर। अच्छा ये बताओ यार मेरे को, ये जो स्कूटर है थोड़ा सा समझ में आ रहा है, फैमिली को कर सकते हैं रेकमेंड, तो ये कहाँ पड़ता है शोरूम, एक बारी रोड भी इनकी दिखा दो। तो न्यू शोरूम खुला हुआ है ये, और आसपास इसके एक ये बजाज का शोरूम है सर, हमारे नियरेस्ट हीरो का शोरूम पड़ता है, सफायर हीरो, उसके बगल में बजाज का हीरो शोरूम है, उसके अपोजिट हमारा पड़ता है ARK व्हीकल्स, ये आप ऊपर देख भी रहेंगे, ये ARK व्हीकल्स हमारा शोरूम पड़ता है, और ये जल विहार रोड लगता है सर, जल विहार रोड लाजपत नगर के अंदर, जल विहार रोड और गोल चक्कर के पास में। चलो काम की बात करते हैं, एक बात बताओ मेरे को तो सब्सिडी मिल जाएगी ना आज? सर आज तो आपको डन है के मिल जाएगी। कितने टाइम के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगी? सर मैक्सिमम 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर। कई कस्टमर ऐसे भी है जो 15-20 दिन में भी आई है। चलो जी मैं तो 23,000 रुपए अपने बचा रहा हूँ, अगर आपको बचाने हैं जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको कॉल करो, परेशान करो, नंबर इनका दे देंगे नीचे, परेशान करो, हमारा काम तो एक वीडियो बना के दिखाना आप लोगों को, आपका काम है भाई स्कूटर लेना है तो फिर कॉल करके परेशान करो, सब्सिडी ले लो, बाकी का कुछ पता नहीं अगले आने वाले टाइम में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।